जी हाँ दोस्तों, अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला चल रहा था तो तीसरे ओडीआई में शुभमन गिल ओपनिंग करते नजर आए, जहां से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके साथ ही दोस्तों, अगर बात की जाए देश में चल रहे सबसे बड़े मुद्दे की तो वो है इस समय किसान आंदोलन। ऐसे में भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल का परिवार किसानों के समर्थन में है। गिल के परिवार के कुछ सदस्य सिंधु बॉर्डर भी पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में गिल ने शिखर धवन के साथ पारी का आगाज अच्छे तरीके से किया था। उन्होंने भले ही 33 रन बनाए, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि ये पारी उनके लिए सही रही होगी। गिल के दादा दीदार सिंह गिल कल उनकी बैटिंग देखने के साथ ही किसान आंदोलनों की खबरें पर नजर रखे हुए थे। बता दें कि जलालाबाद के निकट चक खेरे वाले गांव में रहने वाले शुभमन गिल का परिवार किसानी करता है। शुभमन गिल के पिता लखविंदर सिंह गिल कहते हैं कि उनके पिता दीदार सिंह भी नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन में भाग लेना चाहते हैं, लेकिन हमने उन्हें जाने से रोका है। लखविंदर सिंह ने कहा कि शुभमन भी जानते हैं कि ये आंदोलन किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एक खबर ये भी सामने आई थी कि क्रिकेटर नहीं बनते अगर शुभमन गिल तो वो किसान होते आज के समय पे, क्योंकि कहते हैं कि शुभमन ने काफ़ी समय गांव में गुजारा है। उसने अपने पिता दादा और चाचा को खेतों में काम करते हुए देखा, उसे भी खेती किसानी का काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो हर चीज़ जानता है। ये भी जानता है कि आंदोलन किसानों के लिए क्यों इतना जरूरी है। मोहाली में शिफ्ट होने से पहले 9 साल तक अपने गांव में रहे थे। लखविंदर कहते हैं कि वह गांव में बहुत जुड़ा हुआ है और यहां के खेतों में क्रिकेट भी खेली है। उन्होंने कहा कि अगर शुभमन क्रिकेटर नहीं होता तो किसान बनता, उससे अभी भी खेती किसानी में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है। शुभमन ने कहा कि भी क्रिकेटर करियर के बाद वह खेती किसानी ही करेगा। लेकिन दोस्तों, किसान आंदोलन कितने जोरों शोरों पर, ये सब आप देख ही सकते हैं। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।